एसआईटी के शिकंजे में आया जिंसी हरासानी और अस्मत दरी का मुलजिम प्रज्वल रेवन्ना देर रात बेंगलुरु एयरपोर्ट से किया गया गिरफ्तार। आज सुबह अदालत में होगी पेशी। स्वाति मालीवाल केस में मुलजिम विभव कुमार की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत। आज अदालती हिरासत में तौसी होगी या नहीं, 30,000 कोर्ट में होगा फैसला। बिहार में लू की वजह से तकरीबन 20 अफराद की मौत, वहीं 48.3 डिग्री दर्जा हरारत के साथ सबसे गर्म रहा राजस्थान का गंगानगर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब समेत बकिया रियासतों में भी लू का कहर जारी। केरल में मानसून की झमाझम बारिश की वजह से बड़ी मुश्किलें, तमाम 14 जिला हाई अलर्ट पर। मणिपुर में भी सैलाब का कहर, तकरीबन 800 अफराद की महफूज मकामात पर किया गया मुंतकिल। सदारती इंतखाबी दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा धचका, हिशमनी से मुतालिक तमाम 34 मामलों में कसूरवार दिया गया करार। और सिंगापुर ओपन के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पर सबकी नजरें मरकूज। आखिरी 8 में भारतीय जोड़ी का मुकाबला कोरियाई जोड़ी से होगा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है, मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। जिनसे इस्तेसाल के इल्जामात में घिरे प्रज्वल रेवन्ना को बिलाखिर बेंगलुरु में गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही रेवन्ना सुबह 12:30 बजे बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे, एसआईटी ने उसे अपने शिकंजे में ले लिया। आज रेवन्ना को अदालत में पेश किया जाएगा। कर्नाटक की हासन पार्लिमानी सीट से एनडीए की रेवन्ना ने बेंगलुरु की अदालत में पेश की जमानत की दरख्वास्त भी दायर की थी, लेकिन उसे मुस्तरद कर दिया गया। इल्ज़ाम है कि रेवन्ना ने 2000 से ज़्यादा फहश वीडियोस बनाई और 400 से ज़्यादा खवातीन को इस्मत दरी की। यह अलग बात है कि आज तक कोई मुकदमा दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आया, ताहम रेवन्ना पर इस्मत दरी, ताकुब और जिनसी ज्यादती के लिए आईपीसी की मुख्तलिफ दफात के तहत इल्जाम हैं। अब अगर रेवन्ना जीत भी जाते हैं तो उन्हें नाअहली का सामना करना पड़ेगा। रुकन पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल, मारपीट के मुलजिम और वजीर आला अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत अर्जी पर आज 30,000 कोर्ट में समाप्त होगी। इनकी अदालती हिरासत आज खत्म हो रही है। दरअसल अदालत ने 24 मई को विभव कुमार को 4 रोज के लिए अदालती हिरासत में भेज दिया था, जिसके बाद 28 मई को हिरासत में मजीद 3 दिन की तौसी की गई, जिसके बाद उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। विभव कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की है, जिसमें रुकन पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल की तरफ से दायर हमला मामले में अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है। विभव कुमार ने दरख्वास्त में अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए मुआवजे का मुतालबा किया है, जिसकी समाअत दिल्ली हाई कोर्ट में होनी है। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी और 7वें मरहले के लिए कल वोटिंग होगी। इस मरहले में 57 नशिस्तों पर वोटिंग होनी है, जिनमें से 41 जनरल, 13 दर्ज फहरिस्त जात और 3 दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मखसूस हैं। इस मरहले में 7 रियासतों और 1 मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में वोटिंग होनी है, जिसके लिए 904 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। उम्मीदवारों में 809 मर्द और 95 खवातीन उम्मीदवार शामिल हैं। जिन 57 नशिस्तों के लिए 1 जून को वोटिंग होनी है, उनमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, मगरबी बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 पार्लिमानी सीट शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वाराणसी पार्लिमानी हलके से मुसलसल 3री बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा हमीरपुर से मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर और पटना साहिब की बात की जाए तो वहां से रविशंकर प्रसाद इस बार अहम उम्मीदवार हैं और पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव हैं।
और इसके अलावा हम आपको बता दें कि मिर्ज़ापुर से अनुप्रिया पटेल इस वक्त इंतखाबात में अहम उम्मीदवार की हैसियत से हैं, और साथ में आरा से आर के सिंह अहम उम्मीदवार की शक्ल में हमारे सामने हैं, और चंदौली से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हैं जो अहम उम्मीदवार हैं, और पटियाला से बात करें तो प्रणीत कौर इस वक्त इंतखाबात में शामिल हैं और अहम चेहरा हैं। साथ में अगर हम बात करें गोरखपुर उत्तर प्रदेश की तो मौजूदा रुकन पार्लियामेंट हैं और रवि किशन, और काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं। बालासोर की बात की जाए पर तो प्रताप चंद सारंगी इस वक्त मैदान में हैं, इंतखाबात के लिए अहम उम्मीदवार हैं, और गोड्डा से निशिकांत दुबे इंतखाबी मैदान में हिस्सा ले रहे हैं। निशिकांत दुबे मौजूदा रुकन पार्लियामेंट हैं, और मंडी लोकसभा सीट से कंगना रानावत जो एक अदाकारा भी हैं हिमाचल प्रदेश से, और इसके अलावा अमृतसर से तरनजीत सिंह सिंधु इंतखाबी मैदान में हैं। आप साबिक आईएएस अफसर भी हैं। और जालंधर पंजाब की बात की जाए तो चरणजीत सिंह चन्नी इस वक्त मैदान में हैं, अहम उम्मीदवार हैं ये, और साथ में अमरिंदर सिंह राजा, और भटिंडा से हरसिमरत कौर बादल मैदान में हैं, और हरसिमरत कौर के बाद आपको बता दें कि चंडीगढ़ से मनीष तिवारी मैदान में हैं, अहम उम्मीदवार हैं, और डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, और दमदम से सौगत राय सीनियर लीडर हैं और ये हिस्सा ले रहे हैं, अहम उम्मीदवार हैं इंतखाबात के। और कोलकाता की बात करें तो कोलकाता शुमाल से सुदीप बंदोपाध्याय इंतखाबी मैदान में हैं, गाज़ीपुर से अफजल अंसारी मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट और मुख्तार अंसारी के भाई हैं आप, और काराकाट की बात की जाए तो पवन सिंह इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप एक अदाकार भी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले ख़बर की ओर। बिहार में वोटिंग के आखिरी मरहले की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पटना के नौजवान किन मसाइल पर तवज्जो देते हुए वोट डालेंगे? हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने पटना के गांधी मैदान से मुत्तसिल सभीता द्वार का दौरा किया और नौजवानों को दरपेश मसाइल जानने की कोशिश की। पाटलिपुत्र या यूं कहिए पटना, और यहाँ के जो यूथ हैं वो इस चुनाव में किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग कर रहे हैं, ये हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, सबसे जो प्रभावी मुद्दा है वो क्या है? सर, सबसे पहला मुद्दा है भारत, बिहार में नहीं पूरा भारत देश में बेरोजगारी का सबसे प्रथम मुद्दा है। यहाँ तक कि शिक्षा पर भी अति अति GST लग रहा है। सरकार से ही निवेदन है कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया का अच्छा होना चाहिए। अगर कोई भी चुनावी मुद्दा हो तो मुद्दे में शिक्षा और बेरोजगारी की बात जरूर होनी चाहिए। महंगाई ऐसे भी बढ़ते ही जा रहा है। सरकार को जैसे राम मंदिर पर ध्यान दिया है, उसी प्रकार से बेरोजगारी पर भी ध्यान दें। राम मंदिर बना दिए शांतिपूर्वक, 370 धारा हटा दिए, घर में घुस के मारे हैं, राशन कार्ड मिल रहा है, जंगल राज खत्म हो गया, अब आ गया कानून के राज, एक बच्चे को भी इंसाफ मिलता है। बिहार के पाटलिपुत्र और पटना साहिब के नौजवानों में वोटिंग को लेकर क्रेज तो है, वो मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक भारी गर्मी के बीच आने की अपील जरूर कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी बेकारी की जो समस्या है उसको एड्रेस करने के लिए जननेताओं से कह रहे हैं, राम मंदिर के मुद्दे को एक मुद्दा बता रहे हैं, लेकिन जो सबसे प्राइम मुद्दा है वो बेरोजगारी का ही मुद्दा है। कैमरामैन एजाज अहमद के साथ राजेश राज, DD News, पटना, बिहार।
पंजाब के मोहाली में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत और एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया है। इत्तला के मुताबिक एक BMW कार मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। मोटरसाइकिल पर 3 अफराद सवार थे, जिन्हें तेज रफ्तार BMW कार ने टक्कर मार दी। यह हादसा मोहाली जिले के जीरकपुर पटियाला हाईवे पर देर रात पेश आया। एक तरफ केरल में मानसून की जबरदस्त बारिश हो रही है, तो दूसरी तरफ शुमाल मगरबी और वस्ती भारत में लू और चिलचिलाती धूप से लोग बदहाल हैं। ताहम महकमा मौसमियात का कहना है कि जुमेरात को गर्मी की लहर की शिद्दत में मामूली कमी आई है। इसके बावजूद कल राजस्थान के गंगानगर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 48.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि मध्य प्रदेश के सिद्धी में पारा 48.2 डिग्री, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 47.8 डिग्री, रोहतक और हरियाणा के नारनौल में 47.5 डिग्री तक पहुंच गया। इसके अलावा ओडिशा के झारसुगुड़ा और दिल्ली के आयानगर में भी 47 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। बिहार के औरंगाबाद में गर्मी की लहर से 12 लोगों की मौत हुई और 35 लोग सदर अस्पताल में दाखिल हैं और उनका इलाज चल रहा है। दर्जा हरारत बढ़ने से ज़िले में खौफनाक सूरत हाल बनी हुई है। ताहम हीट स्ट्रोक में मुब्तला मरीजों के लिए अस्पताल में मुनासिब सहूलियात मौजूद हैं। शेखपुरा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और मशरक़ी चंपारण समेत कई इलाकों से शदीद गर्मी की वजह से सरकारी स्कूलों के इसातिज़ा के बेहोश होने के वाक़ियात भी सामने आए हैं। और दिल्ली में जारी लू और शदीद गर्मी और पानी के बहरान की वजह से आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल सियासत करने में मसरूफ हैं, वहीं दारुलहकूमत के लोग पानी को तरस रहे हैं। दिल्ली में पानी बहरान पर पेश है हमारे नुमाइंदे OP यादव की एक खसूसी रिपोर्ट। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले में जहां सियासी दर्जा हरारत अपने उरूज पर है, वहीं पूरे शुमाली हिंद समेत दिल्ली के लोगों की हालत शदीद गर्मी और चिलचिलाती गर्मी की वजह से अबतर है। चिलचिलाती धूप के दरमियान गर्मी की लहर और पानी की बहरान की वजह से दिल्ली के इलाकों में अफरा तफरी है। ऐसी ही एक वीडियो दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके से मंजर आम पर आई है, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान अपने घरों से खाली बर्तन इकट्ठा करके पानी भरने के लिए टैंकर की तरफ भाग रहे हैं। दूसरी जानिब दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में पानी के लिए लड़ाई के साथ साथ खवातीन के साथ बदतमीजी भी देखने में आ रही है। नई दिल्ली के इलाके का एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है, जहां से दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल खुद MLA हैं। जैसे ही टैंकर यहां पहुंचे, तो लोग पानी भरने के लिए टैंकर के पीछे भागते नजर आए। पानी के बहरान से परेशान खवातीन का कहना है कि मुतादित बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये एक ही टैंकर आती है, उसमें भी इतनी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। मार काट सब इसी में होती है, छीन छोड़ सारी इसी में काम हो जाती है सबकी। आपकी समस्या हमारी पानी की ज्यादा हुई है, कभी नहीं हुई है। हम पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तड़प रहे। दिल्ली की यहाँ मार है, कितनी बार तो लड़ाई हो गई, सर फूट गया कितनों का। दिल्ली में पानी के बहरान के मामले पर BJP के खवातीन कारकुनों ने आम आदमी पार्टी की वजीर आतिशी की रिहायशगाह के बाहर बर्तन तोड़कर अरविंद केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। दिल्ली BJP के रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में पानी के लिए बहुत शोर है और आपकी हुकूमत सियासत कर रही है। ये पानी का बहरान खुदा का पैदा करता नहीं है, बल्कि दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत ने जानबूझकर पैदा किया है। दिल्ली की जनता हाहाकार कर रही है पानी के लिए। क्या ये संकट प्राकृतिक है? जी नहीं, ये संकट अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा पैदा किया गया है सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए। दिल्ली में पानी का संकट दिखाकर कैसे पैसा कमाया जाए, ये दिल्ली सरकार की साजिश है। आम आदमी पार्टी लीडर और दिल्ली हुकूमत में पानी की वजीर आतिशी ने कहा कि हुकूमत पानी के बहरान से निमटने के लिए मुनासिब कोशिशें कर रही है। जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ही कम जाएगा, जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहां से प्रोड्यूस करेंगे? जब DD न्यूज की टीम ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के नई दिल्ली असेंबली हलके में वाकई मेहरचंद मार्केट का जायजा लिया, तो सूरत हाल काबिले दीद थी। पानी की किल्लत से 2-4 आम लोगों का कहना था कि वजीर आला का इलाका होने के बावजूद यहाँ पानी के लिए खौफ व हरास है। मुख्यमंत्री विधायक है अरविंद केजरीवाल जी, फिर भी दिक्कत हो रही है पानी की। मैं दिक्कत है पानी की, पानी नहीं आ रहा,
हफ्ता भर हो गया, बिल्कुल नहीं आ रहा पानी। पानी कहीं से नहीं आ रहा सर, यहाँ गली में भी नहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, बहुत परेशान है सब पब्लिक। इस दौरान दिल्ली हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए कोई इंतजाम न करने से नाराज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आवाम को शदीद गर्मी से राहत फराहम करने के अहकाम जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में काम करने वाले मजदूरों को 12 से 3 बजे के दरमियान छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा मकामात पर पानी और नारियल के पानी का इंतजाम करने के भी अहकाम दिए गए हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के हुक्म PWD को DJB, MCD, NDMC या फिर बिजली महकमे को मजदूरों और गरीब कारकुनों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए कई इंतजाम करने के लिए कहा गया है। गरीब कारकुनों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए शेड्स और कूलर का इंतजाम किया जाए। DDA को सुपरवाइजरों और मजदूरों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक छुट्टी देने का हुक्म दिया गया है। पानी, नारियल पानी वगैरह का मुनासिब इंतजाम किया जाए। पीने के पानी के साथ मिट्टी के बर्तनों की हिदायत दी गई। मुसाफिरों और पैदल चलने वालों को रिलीफ फराहम करने के लिए बस स्टैंड्स के शेल्टर्स में पानी का इंतजाम करने के लिए कहा गया है। STP का पानी सड़कों पर छिड़कने के लिए इस्तेमाल किया जाए और जहां जहां तामीर हो रही है वहां वहां मजदूरों के लिए पीने के पानी का इंतजाम किया जाए। चंद मार्केट में मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये झुग्गी बस्ती का एरिया है, यहाँ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद विधायक है, लेकिन पानी की किल्लत के चलते न केवल लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बल्कि कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने के लिए रात रात भर जगना भी पड़ रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन विश्व बंधु के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। दरी असना दिल्ली, BJP ने आबी बहरान के लिए आम आदमी पार्टी हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया है। इस सिलसिले में दिल्ली में BJP सुबह 11 बजे ITO पर वाक़े शहीद पार्क से सेक्रेटरीट तक दिल्ली हुकूमत के खिलाफ मार्च निकालेगी। मुल्क की राजधानी दिल्ली में इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही है। पारा मुसलसल 50 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। शदीद गर्मी के दरमियान RML अस्पताल में लू से मुतासर मरीजों के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। अस्पताल के हीट स्ट्रोक यूनिट में 2 बाथ टब लगे हुए हैं। इसके अलावा IceCube वाली मशीनें भी लगाई गई हैं। गुरुग्राम के मानेसर में कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई। आग ने पूरी इमारत को अपनी जद में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए 27 आग बुझाने वाली गाड़ियां मौके पर मौजूद थीं और पहुंच गई वहां पर वक्त पर। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। फिलहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। मणिपुर में सैलाब का कहर जारी है। इम्फाल शहर सैलाब से बुरी तरह मुतासिर है। शहर को जाने वाली बेशतर सड़कें जेरे आब हैं और मणिपुर पुलिस आर्मी आसाम राइफल्स NDRF और SDRF को बचाव कामों में लगाया गया है। तकरीबन 800 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सैलाब मुतासिरा खानदानों के लिए ज़िले में पहले ही 3 आर्जी कैंप कायम किए जा चुके हैं। पूरी जगन्नाथ धाम में महाप्रभु की नौका विहार के दौरान आतिशबाजी की वजह से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 से ज़्यादा अफराद की हालत नाजुक है। तमाम जख्मी भुवनेश्वर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक ने आला सतही इंक्वायरी का हुक्म दिया है और मरने वालों के लवाहिकीन को 4 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। उत्तराखंड में जारी 4 धाम यात्रा के दौरान VIP दर्शन पर पाबंदी को 10 जून तक बढ़ा दिया गया है। यह हुक्मनामा उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी की हिदायत के बाद आया है। काबिल जिक्र है कि इससे पहले 4 धाम यात्रा के दौरान VIP दर्शन पर 30 मई तक पाबंदी थी।
और जमहूरिया कांगो में मेजर राधिका सेन को अक़्वामे मुत्तहिदा की तंजीम के स्टेलाइजेशन मिशन के तहत खिदमात अंजाम देने के एतराफ़ में भारतीय फौजी अमन दस्ता 2023 को अक़्वामे मुत्तहिदा के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। अक़्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अक़्वामे मुत्तहिदा के अमन फौजियों के आलमी दिन के मौके पर मुनाक़िदा तकरीब के दौरान मेजर राधिका सेन को इस अवार्ड से सरफराज किया। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नजरें आइए अखबारात के जायजे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सफ़े अव्वल की सुर्खी पर नजर डालें तो इंतखाबात में बीजेपी की जीत की हैट्रिक होगी। आइन और बदउनवानी को लेकर कांग्रेस और अपोजिशन इत्तेहाद की जमातों को वजीर आजम मोदी ने जमकर निशाना बनाया है। और अगली खबर पर आइए नज़र डाल लेते हैं। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले की इंतखाबी मुहिम पर ब्रेक लग चुका है और पोलिंग कल है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। सफ़े अव्वल की सुर्खी है अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए अदालत में दस्तक दी है और 1 जून को अबूरी और 7 जून को बाकायदा जमानत पर समाप्त बताई गई है। और अब देख लेते हैं एक और सुर्खी, बिहार की बात है। बिहार में गर्मी ने तबाही मचा रखी है, 4 अजला में 25 अफराद की मौत बताई गई है। और एक और सुर्खी देख लेते हैं, कांग्रेस ने हमेशा तरक्की पसंद कदम उठाने से गुरेज किया है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत वाली हुकूमत ने मुल्क में तरक्की की राह हमवार की है। ये वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने नाजरीन ये अपना एक बयान दिया है। और इसके अलावा एक और अहम सुर्खी पर आइए नज़र डाल लेते हैं। अमेज़ोन के बानी एक बार फिर दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए हैं। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान बर्नार्ड की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि ये दुनिया के अमीर तरीन जो लोग हैं, जो शख्स हैं, उसकी दौड़ में शामिल हो चुके हैं। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी, रफा का कोई इलाका इसराइली हमलों से महफूज नहीं है। ताज़ा बमबारी में मजीद 37 फ़लस्तीनी शख्स बताए गए हैं कि पूरी तरह से ज़ख्मी हो चुके हैं। और आइए अब देख लेते हैं एक और सुर्खी, सूडान में 70 लाख अफराद की अंदरूनी मुल्क की नकल मकानी बताई गई है। और अब आइए बुलेटिन की जानिब लौटते हैं, कुछ और खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा धचका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में तमाम 34 मामलों में कसूरवार करार दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप किसी जुर्म में सज़ा पाने वाले पहले अमरीकी सदर बन गए हैं। 2 दिन तक गौर खोज के बाद 12 रुकनी जूरी ने ट्रंप को तमाम 34 मामलों में कसूरवार पाया है। अब इस मामले की मजीद समाअत 11 जुलाई को होगी और ज्यूरी के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने इसे तौहीन आमेज करार देते हुए खुद को बेकसूर करार दिया है। और त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी आज सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में कोर्ट में उतरेगी। आखिरी 8 में भारतीय जोड़ी का मुकाबला कोरियाई जोड़ी किम सो योंग और कांग ही क्योंग से होगा। इससे कबल प्री क्वार्टर फाइनल में त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने कोरियाई जोड़ी को शिकस्त देकर आखिरी 8 में जगह बनाई थी। भारत के खातून बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के आखिरी 16 में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु को स्पेन के कैरोलिना मारिन के हाथों 21-13 और 21-11 और 22-20 के फर्क से शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय बैडमिंटन स्टार एचएस प्रणॉय को भी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। प्रणॉय को इस मुकाबले के मर्दों के सिंगल्स के आखिरी 16 राउंड में जापान के कैंटो ने शिकस्त दी। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, आदाब।